क्या हाल चाल है लॉन्डो? बढ़िया। सो फाइनली शमशेरा का दूसरा दिन का भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग सामने निकल के आ चुका है कि ये फिल्म आज के दिन पे कितना कलेक्शन करने वाली है। कल वाले शमशेरा के पहले दिन के कलेक्शन वाले वीडियो में मैं बताया हुआ था ये फिल्म का कलेक्शन 8 करोड़ के आसपास होने वाली है, और फाइनली भाई ये फिल्म का कलेक्शन इसी के आसपास भाई फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज का कलेक्शन मैं तुम लोगों को बताऊंगा तो इसे सुनने के बाद थोड़ा तुम लोगों को भी बुरा फील होगा, इनफैक्ट मुझे भी काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है क्योंकि एज ए रणवीर कपूर के फैन के वे से अगर मैं बोलूं तो भाई ये कलेक्शन थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग वाला कलेक्शन है यार, क्योंकि रणवीर कपूर इज द बिगेस्ट स्टार। अगर इतने बड़े स्टार की फिल्में आ रही है, वो भी मोस्ट अवेटेड फिल्म आ रही है भाई, 4 साल बाद शमशेरा से भाई कमबैक कर रहा है, मीन संजू के 4 साल बाद शमशेरा आ रही है मैन, इतने दिन का गैप है तो भाई उम्मीदें बढ़ जाती है अपने स्टार से, अपने स्टार की फिल्मों से, कंटेंट से। न्यूज ये निकल का है ये फिल्म लोगों को पसंद नहीं आ रही है, इनफैक्ट क्रिटिक्स लोगों को भी भाई पसंद नहीं आ रही है। वैसे भी भाई ये क्रिटिक लोगों के बोलने से कौन फिल्म देखने जाता है यार, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो भी पब्लिक निकलती है वो लोग भाई बता देती है फिल्म अच्छी है फिर बुरी है, उस वजह से भाई बहुत ज्यादा लोग भाई फिल्मों को देखने जाते हैं। तो बात करते हैं एक्चुअली में कल के डेट पे मीन शमशेरा अपने पहले दिन पे कितना कलेक्शन किया हुआ था इंडिया में। उससे पहले मैं तुम्हें स्क्रीन बता दूंगा एक्चुअली में इस फिल्म को भाई इंडिया में कितने ज्यादा स्क्रीन्स मिले हुए थे, स्क्रीन्स काफी ज्यादा है। कोरोना के बाद पहली हिंदी फिल्म है जिसको इतने बड़े स्केल पे भाई रिलीज किया गया है इंडिया में। टोटल स्क्रीन्स मिले हैं भाई शमशेरा को इंडिया में 4,350, ओवरसीज की बात करें तो ओवरसीज में स्क्रीन्स मिले हैं 1200, टोटल स्क्रीन होते हैं वर्ल्ड वाइड 5,550। सो बात करते हैं इंडिया से इस फिल्म का पहले दिन पे कितना कलेक्शन है। इंडिया से यह फिल्म पहले दिन में कलेक्शन करती है 10.80 करोड़ का भाई ये फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन है। कल वाले वीडियो में मैं बताया था 8 करोड़ के आसपास ये फिल्म का कलेक्शन होने वाला है, तो भाई 10.80 करोड़ ये फिल्म कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अभी भी भाई मेकर से भाई ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। तो बात करते हैं आज के दिन पे ये फिल्म का क्या कलेक्शन होने वाला है इंडिया से। आज के दिन पे भी ये फिल्म 9 से 10 करोड़ के बीच में भाई कलेक्शन करने वाली है, और ये भी सुनने में आ रहा है आज के दिन पे थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है यार, बट मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ इवनिंग तक फिल्म का कलेक्शन अगर कल के इतना भी होगा ना भाई तो डिसेंट है यार, मतलब फिल्म तो बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है हम सबको पता है। ये फिल्म का बजट 150 करोड़ है, 150 करोड़ है भाई ये फिल्म का बजट, तो तुम समझ सकते हो भाई कितना लॉस होने वाला है। और यशराज प्रोडक्शन के साथ हो क्या रहा है यार, बैक टू बैक भाई ये लोग फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहे हैं यार। सीरियसली बंटी और बबली हो गया, और एक अभी रणवीर सिंह का एक फिल्म आया हुआ था वो बच्चा वाला, पता नहीं क्या नाम था उस फिल्म का जिसमें रणवीर कपूर का बेटा नहीं होता है वो वाला। फिर उसके बाद भाई अपना पृथ्वीराज आया, फिर देन शमशेरा, बुरा टाइम चल रहा है भाई यशराज प्रोडक्शन के साथ। बट लास्टली यही चीज बोलना चाहता हूँ, अभी के टाइम में कंटेंट ही जीत रही है, तो भाई कितने भी बड़े प्रोडक्शन कंपनी हो, कितने ही तुर्रम खान एक्टर हो या फिर कोई भी हो, जब तक आप कंटेंट डिलीवर नहीं करोगे तो भाई पब्लिक नहीं देखने जाएगी। क्योंकि भाई पता है अभी बॉलीवुड वालों को ना ये चीज ना सोचनी चाहिए, ये चीज ना समझनी चाहिए कि भाई हम लोग इतने बड़े बड़े स्टार के साथ फिल्में लेके आ रहे हैं, उनसे फिल्मों के मार्केटिंग भी काफी अच्छा किया जा रहा है, बट फिल्म चल क्यों नहीं रही है भाई, ये रीजन क्या निकल गया है, इस पे ये लोग सोचे ना भाई तो मजा आ जाएगा यार। और खासकर स्टार को 100 करोड़ 110 करोड़ देने के बजाय काश ये लोग किसी राइटर को 1 करोड़ 2 करोड़ देख के देखे, यहां मैं गारंटीड बोल सकता हूं भाई वो स्टोरी ने एकदम बारूद लेवल के स्टोरी निकल के आई। बहुत दुख की बात ये भाई, मतलब राइटर पे पैसे ही नहीं खर्च करते हैं ये लोग, और ऐसा नहीं कि राइटर लोग की कमी है बॉलीवुड में, ना 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 भाई राइटर लोग बहुत ज्यादा हैं। ओटीटी के कंटेंट देखो ना यार बॉलीवुड का कितना बेहतरीन बेहतरीन भाई कंटेंट वो लोग लेके आ रहे हैं, चाहे वेब सीरीज हो जाए या फिर कोई फिल्में हो जाए, देखो एकदम माइंड ब्लोइंग फिल्में आ रही है। बट ये जो छोटे छोटे राइटर होते हैं ना भाई, इन लोग को ना बड़े प्रोडक्शन कंपनी में ना चांस ही नहीं मिलता है, काम ही नहीं मिलता है भाई, वो लोग को अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता है, तो भाई क्या करेंगे भाई, वही जो घिसे पीटे जो भी राइटर लोग हैं वही लोग लिख रहे हैं बिना मतलब के स्टोरी को, फिल्में बन रही है, कौन सा हम लोग को पॉकेट से पैसा जा रहा है भाई, वो लोग 100-200 करोड़ लगा रहे हैं, वो लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भाई हम लोग क्या करना है भाई, हम लोग को जो जेन्युइनली जो फील करते हैं उस फिल्म के साथ वही चीज सामने से हम लोग आगे बता सकते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। सच कहो तो एज ए रणवीर कपूर फैन मुझे बुरा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों लेकिन बुरा लग रहा है यार, बट अगर जेन्युइनली मैं बोलूं तो भाई ये फिल्म यही डिजर्व करती है। सो तुम लोग बता, तुम लोग इस पे क्या कहना है, अपने अपने तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।